उसी लाइन पे आ जाती हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्या बोला, वेलकम बैक है, वेलकम बैक। तो आज है बहुत सारे प्रेमी प्रेमियों का दिन, जो है 14 फरवरी। आज है वैलेंटाइंस डे एंड हम लोग भी मना रहे हैं और मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना रही हैं। क्या बना रही हैं आप? पता नहीं, अभी तो ब्रेड पकौड़े बना, सब पता है इनको। ब्रेड पकौड़े बना रही हैं और विशाल के लिए चाय बना रही हैं और मैं तो कोल्ड कॉफी पीऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और आज के दिन बाहर मत जाओ, डंडे वंडे भी पड़ते हैं। सच में पड़ते हैं ना मम्मी? मैंने तो सुना नहीं। आपने सुना, बजरंग दल वाले मारते हैं लवर्स को? हाँ, मारते हैं जो पार्कों में बैठते हैं, जो गलत हरकत करते हैं। एक्चुअली मतलब अगर आपको वैलेंटाइंस डे मनाना है, ये बुरा दिन नहीं होता, सही बताऊं तो। आप अपने लवर के साथ अच्छी जगह पे, पर अगर आप पार्कों में जाके गुपचुप गुपचुप करोगे, ऐसी हरकतें करोगे, तो डंडे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। आराम से अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह लाइक खाने पे जाओ, चाय की टपरी पे जाओ, अपनी लवर के साथ कहीं भी जाओ, अच्छी जगह। गुपचुप गुपचुप हरकतें करना पब्लिक प्लेस में, इसलिए डंडे पड़ते हैं। अब मैं समझ गई, पहले मेरे को लगता था कि वो सबको मारता है, अब मैं समझ गई। आपने बनाया कभी वैलेंटाइंस डे आज तक अपनी लाइफ में? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तुम्हारे साथ। अरे रहने दो। अच्छा वैसे कौन मनाएगा यहाँ पर वैलेंटाइन डे? बनाने के लिए वैलेंटाइन भी होना चाहिए ना। मेरा भी कोई नहीं, मेरे पास दो है, मैंने बताया। एक और डॉलर और मफी, जो मेरे लवर है वो एकदम, वो इतना रेडी होके बैठे हैं, उनको मैं दिखाती हूँ। रुको देखो, मेरे को पटाखे का दिल वाली शर्ट पहनी इसने, ताकि मैं फंस जाऊं इससे, दिल ही दिल। और इसको देखो, इसने भी दिल वाली शर्ट पहन रखी है, छोटी दिल, क्योंकि छोटू शायद ना। ये वैलेंटाइन डे का कलर कपड़ा है एकदम। चुप हो जा, क्या बोल रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहा है? क्या आप अंदर जाके दिखाइए, वैलेंटाइन डे पे लोग क्या कर रहे हैं? दिवाली थोड़ी है, उठ के बैठ जाएगा सुबह सुबह। सुबह कहाँ है, टाइम तो देखो, इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखो, उठ रहा है नहीं उठ रहा? चला बाहर घुमा के ला मेरे को, चल चल बाहर घुमा के ला, बालकनी में घूम ले जाके, चल चल खिला के ला, पिला के ला। क्यों ऐसे ऐसे कैसे, सब घूम रहे हैं? जा रहा हूँ बाहर अभी। तू बाहर में जा, तू बाहर मत जा, तू बाहर में जा। बताना बताना बताना, कैप्शन बताना 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 बताना, पागल है क्या, पागल है क्या, बता दे। ओ स्किन केयर बता दे, क्या देख कैसे दाने दाने निकल रखे। लोगों को इतना समझाती है ना, इसके खुद का स्किन केयर तो उसको सूट नहीं कर रहा ढंग से। तुम लोगों को इतना समझाती है, ये लगाओ वो लगाओ, तुम्हारी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी, देख लो भाई आगे समझ। चल मेरे अगर 3 दाने निकल रखे हैं, कि वो तो हर लड़की के गलते, कभी खुद के देखे तो मैं ज्ञान भी तो नहीं पहनता ना फालतू का। अभी भी ज्ञान दे के हटी है जस्टी, देखो मेकअप है। तू भी तो बुलाता है, देखो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मेरे इलाज के लिए, शक्ल की। इसका इसका ज्ञान पे ना, इसका ज्ञान एक कान से सुनो और निकाल दो, क्योंकि अभी भी ज्ञान दे के हटी है। और ये देख लो खुद, मेरी स्किन बहुत बेटर है, ठीक है। तो वो तो लड़के की स्किन और लड़की की स्किन में बहुत फर्क होता है भाई। बल्कि लड़की की स्किन ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जाना तू तो 10 पाउडर लगा के भी ऐसा है। तू तो अभी मेरा मेकअप भी यूज कर रहा था कि मेरा ऊंचा, तेरा मेकअप क्यों यूज, पाउडर लगाया था मैंने, वो मेरा है ना, पर पाउडर लगाया था। दे बोथ जस्ट हैड अ फाइट, वेरी बिग फाइट, वो भी बर्तन को लेके। और मेरा डॉलर सच में कुछ नहीं बोलता, कसम से नहीं बोलता, वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। ये थोड़ा चंट है, वो देखो बेचारा बुरा लगता है उसको। आ जाओ ऊपर बेटा, आ जाओ ऊपर, हाँ गुड बॉय, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अभी दोनों ये भी थोड़ी थोड़ी हौसला हो गई है, पर डॉलर आके लेटा और अभी भी आ गया, पर बात नहीं कर रहे दोनों आपस में, बात नहीं करेगा मफी से, नहीं करेगा। काटा था ना उसने तेरे को, बात कर लो। नहीं चेहरा देखा होगा, इस चेहरे में जब भी कैमरे के आगे तो बहुत एटीट्यूड दिखाता है कि मैं तो परी, परी तो ऐसी, परी तो वैसी। मैं आपको इसकी हरकत दिखाऊंगी, जब हम लोग स्कूल में थे, ये मेरे लड़का मेरे पीछे कितना पागल था। मैं भी तेरी दिखाऊंगा, तेरी मम्मी से पूछूंगा, पहले तू कर ले। हाँ ठीक है, इसने कैसे इतनी मेहनत करी थी मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाती हूँ।
इन तो चल ये हरकत करी। हाँ? तू तो इतनी फुकी हुई थी, तू मेरा वॉलपेपर लगाए घूमती थी पूछ। ओ, झूठा, कैमरा कर, झूठा। ये मेरा वॉलपेपर लगा के रखती थी रोहिणी में अपने फोन में। वॉलपेपर? अरे फोन में मैंने तो नहीं देखा कभी। तेरे को भी याद होगा ना। अरे भैया दोनों सब मिले हुए हो। आपका वॉल पेपर तो कभी नहीं लगाया उसने। रुक जा, खा जा मेरी कसम, तेरे पास वॉल पेपर नहीं लगाया तूने। नहीं लगाया था तूने? सारे मिले हुए भाई, सब फ्रॉड है, सब मिले हुए। आज सारा फ्रॉड का राज मैं खोल देती हूँ। अगर वो तेरा वॉलपेपर लगा के रखती तो मुझे पता चलता, लेकिन मुझे तो ये पता चलता। इसको खुद को पता है कितना झूठा है, तेरी सारी सच्चाई। डॉलर की कसम खा तू नहीं लगाया था। मैं क्यों खाऊंगी कसम अपने बच्चे की जान के, ताकि तेरे को। चल मैं भी खा जा, किसी की भी नहीं खाऊंगी। देख लो आपकी लड़की। मैं तो प्रूफ दिखा दे, मैं तो प्रूफ भी दिखा दिया। अगर उसने तेरा वो लगा रखा था, तू क्या करता था? क्या मैंने क्या करा? तू क्या करता था? क्या करा मैंने? तो कुछ ना करा। इसी वीडियो दिखा दी ना मैंने अभी एक। मुझे क्या हरकत करता था? क्या कर दिया? और आपको इसकी एक डांस वीडियो दिखाती हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत पुरानी है। इसने मेरे को मैं थप्पड़ मारा था मेरे मुंह पे, इस लड़के ने। मम्मी बोलेगी आके मजाक कर रही, थप्पड़ अप्पड़ नहीं मारता मेरे ना। एक वीडियो पे व्यूज नहीं आया, व्यूज नहीं आया तो मैं रोने लग गई थी। देख लो कैसे आप पे गई हूँ एकदम नाजुक दिल की। हम लोग निकल चुके हैं आज का दिन मनाने। दिन मनाने मनाने कुछ नहीं निकले, कसम से ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं ऐसे नहीं निकले, हम लोग निकले काम से जो है बहुत तगड़ा काम। हम जा रहे हैं जारा, पैसा पैसा जो पैसे से खरीदा था वो दोबारा रिटर्न करने जा रहे हैं। इतना चोर बंदा है ना ये भाई, कसम से इतना क्या ही बोलूं उसके बारे में। उस दिन जो हमने शॉपिंग करी थी, अरे ना, लाइफ में ना मुश्किल से पहली या दूसरी बार रिटर्न कर रहा हूँ मैं। तू हर बार करती है, तेरे से कुछ कहता हूँ मैं कि मेरे को अगर कोई चीज फिटिंग की नहीं है तो मैं रिटर्न ही करूंगी ना उसको। देख लेती क्यों है फिर फिटिंग की नहीं? यार मेरे को मैंने सबसे स्मॉलेस्ट साइज लिया था एक टॉप का, और वो भी मेरे को फिट नहीं आया। अब आप देख लो मैं कितनी पतली हूँ। कमजोर खाना खाना या मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ, बट पता नहीं उसकी फिटिंग का कुछ इशू होगा। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है एज सच इशू। हम लोग उस काम से जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खा के कुछ घर ही आएंगे। तो बैक कैमरे से आ गई, फ्रंट कैमरा तो ऐसे ऐसे हिल रहा था, ऊपर इतना काला काला आ रहा था। सही हो रही है? तो भैया ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग कुछ भी अलग उल्टा पुल्टा सोच लो, हम ऐसे कुछ भी फालतू चीज मतलब ऐसे कुछ नहीं, काम से ही जा रहे हैं जो है रिटर्न विटर्न करने कपड़े। बिकॉज ना फिर मैंने एक जैकेट ली थी, वो बहुत ज्यादा ना कुछ नहीं है, छोटी नहीं है, बल्कि मैं तो ट्राई भी नहीं किया था सारा में जब हम गए थे लास्ट टाइम। मैंने ट्राई करा था? नहीं किया था। जब जैबी अंश और स्टार पे बाहर खड़े तो सारे कपड़े ट्राई करके आया था। नहीं, तुम लोग तो उस टाइम कह रहे थे सही है सही है, पर फिर बाद में थोड़ा मेरे को प्राइस इशू भी हुआ। वो बात थी नहीं प्राइस के हिसाब से। भाई यार क्या बंदा है, इतनी अच्छी वो 4200 रुपीज की जैकेट है, 48 की है भाई। तो मैंने अपने हिसाब में 4290 रुपीज लगा है, 4290 रुपीज। 800 रुपए बचा के भी कहा जाऊंगा जब मेरे को महंगी लग रही है। जब 800 रुपए की नहीं है, मतलब 4290 की है वो जैकेट, ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत वाटर वे, आप एक ब्लैक जैकेट से बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो अगर आप में दिमाग है थोड़ा सा, तो बट नहीं है तो इसलिए हम वापस करने जा रहे हैं। एक बात बोलूं? नहीं, जब तेरी तो की बातें करेगी, मुझे पता है ना। जब तेरी जिंदगी में है ही नहीं कोई परी, तो किस बात की ये 14 फरवरी? लाइक यू टाइम अच्छा था। है तेरी जिंदगी में कोई परी? हाँ खूब सारी है। नहीं, क्योंकि मेरा तो नाम है परी, वैसे इसकी जिंदगी में आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है कसम से। पूरे टाइम घूमती रहती है चिपक के मेरे साथ। अभी मैं सो रही थी अपने घर पे, तू मेरे को जबरदस्ती लेके आएगा, झूठ मत बोल, मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तू निकल जा जल्दी जल्दी, रेडी रेडी हो, चलना है बाहर काम करके आना है। तो रात में चले जाऊं? हैं? ठीक है चला जा, चला जा। और क्लबिंग करने का शौक है ना इसको? क्लबिंग करने का शौक क्या भाई, इवेंट है। कौन सा इवेंट है? कौन सा इसको नाम तुमने क्लबिंग को इवेंट का नाम दे रखा है? विलन का इवेंट नहीं है। तूने स्टोरी क्यों डाली फिर आज? तेरे कहने पे डाली मैंने वो स्टोरी, तूने कहा था डाल दे। झूठा बड़ी, कितना झूठ बोलता है यार इंसान। तू अपना घर रहियो ना, एंजॉय करियो, क्या दिक्कत है? ठीक है ओके भाई, बाय। वहां पर दोस्त नए बना लिए, दोस्त नए जा रहे बना लेंगे। अरे तो जा जा जी, बना लेंगे बेटा। जिस दिन मैंने कोई ऐसा लड़का दोस्त बना लिया जो इतना स्मार्ट होगा ना यार, इतना स्मार्ट, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान, दिल से भी और शक्ल से भी। बना ले जा, बना अभी बनाऊंगी, देख तू अभी मॉल में बना लिया, अभी मॉल में बनाऊंगी दोस्त। बात है, क्या बात है, लड़कियों को फंसाने के चक्कर में है कि कोई आए बड़ी
गाड़ी लेके अमीर घर का लौंडा। बताओ यार, पैसिफिक मॉल में 50 रुपए की पार्किंग है, ठीक है, नीचे है वो 50 रुपए 2 घंटा, बट इसने खड़ी कर दी वैले सर्विस में, जहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, ये मौज मस्ती करेगा बस। अब मॉल में गाड़ी भी खुद ही खड़ी हो जाएगी। 50 रुपए नहीं, 300 रुपए देगा, 250 रुपए का नुकसान करवा लिया तूने अपना फालतू का। चलो 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 चलो, इससे पूछ के क्या वहाँ से रिटर्न लेता हूँ। भैया दिखाना भी तो है लड़कियों को। जारा में डायरेक्ट आने के बाद ना मैं अपने गर्ल सेक्शन में चली गई और मैंने उसको मतलब वो अपना चला गया। अब मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा है कि नहीं अब तू घर आ, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया था कि पहले मैं अपने लिए कुछ देखूंगी, कि जब उसका एकदम सब कुछ पूरा हो जाता है ना, तो वो ना पता क्या करता है, जैसे कि मैंने उसकी हेल्प करा दी, कपड़े डिसाइड करने सब कुछ डन हो गया, उसके बाद वो पता है ये करता है कि जब मेरी टर्न होती है, जब मैं अपने लिए कुछ देखती हूँ, वो जल्दबाजी मचाता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाऊंगी, पर इसने मेरे को बुला लिया और इसने मेरे को प्रॉमिस करा है कि आ गया, तूने मेरे को प्रॉमिस करा है कि जब मैं अभी कुछ लूंगी तो चुपचाप रहेगा, पेशेंस रखेगा। थोड़ी तो रात 10 यही बजा दे, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। हेलो देख, अब एक कुछ लेता वेता नहीं है यार, ये कसम से ना ऐसी हरकतें करता है, घुमाता रहेगा इधर उधर, उठाता रहता है, मतलब कुछ अलग ही आकर कभी ना, हमेशा एक ही टाइप का कुछ ना कुछ लेता रहता है बेतुका। मैं शर्ट ले लेता, कलर अच्छा लग रहा था, बहाना है, साइज नहीं है, ये नहीं है, लेना तूने कुछ नहीं है, ड्रामे का भरता रहेगा बस। तो देखो सेम जगह हम दूसरी बार आ रहे हैं, प्राइस देखता है। चलो कितनी की थी? 6,000। बाप रे, चलना फोन करने का 6,000 का ये ले ले। ये एक है, ये होगी करीबन 3-4 हजार की टी शर्ट, और डिजाइन देखो, डिजाइन देखो ये क्या है, तो कागज मेरा भाई भी चिपका देगा किसी भी टी शर्ट पे, तू खाली टी शर्ट ला के दे अभी भी बना देगा, ये तो ये कुछ और होगा। ये रे रे रे, कितने की प्राइस दे? 1490। वैसे है ये 3290 की, बिकी नहीं होगी ना, इतने पागल बंदे मिले ना ये सब खरीदेंगे, तभी सेल पे लगा दी। अगर इसके गर्ल सेक्शन में मैं चुप हूं, चुप ही रहेगा तू, और क्या करेगा, तेरी हिम्मत है तो बोल जा फालतू, भग जाऊंगा यहां से सब लेके, फालतू बोल जा भाई बड़ी टेंट पे पे मत कर मेरे आगे। देखो बंदी 5-5 हजार की जींस पकड़ा के और खुद 2,500 का भी नहीं ले रही, कह रही है इसे महंगी है शर्ट, तो क्वालिटी के पैसे है ना भाई, प्लेन तो इस जीन्स में क्या बना हुआ है, चलाओ ना तुम इसे, कुछ नहीं है, बहाने मार रही है ना लेने के, हंस रही है, देखो अच्छी लगेगी वो स्कर्ट के साथ, बन तो रहा आउटफिट अच्छी है, ले ले बाकी एज योर विश। अभी मैं ट्राई कर रही थी ड्रेसेस, और ये ड्रेस मतलब लाइक अब इसकी चेन थोड़ी सी बंद नहीं हो पाई मेरे से, और ये ड्रेस है पहली, और विशाल को ये ड्रेस पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, वो कुछ अब से बोल रहा है कि ये ड्रेस ले 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 ज़रूर ले। मैं तो मैंने उसको एंड में बोला कि चल ठीक है तू एटलीस्ट का साइज़ लेके आ, मैं ट्राई कर लूँगी, बट मेरे को तो ये ठीक लग रही, इतनी कुछ खास नहीं लग रही, पर साइज़ थोड़ा बड़ा ले आया, स्मॉल ले आया, मेरे को एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा। आप लोग बताओ कमेंट कैसी लग रही है मेरे को, मतलब ठीक लग रही है, बैक से एकदम प्लेन है सी, अब एक उसका रिएक्शन देखते हैं, और चेन बंद नहीं हो रही और इसकी वजह से ना क्या बड़ी नहीं, तो साइज भी बड़ा ले आया है, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है, चल झूठ बोला, बड़ी है बट मेरे को लूज है, अच्छी लग रही है वैसे, नहीं होगी टाइट। नेक्स्ट ड्रेस इज दिस, मिल गई एंड थोड़ी सी लूज है बट मैं मैनेज कर लूंगी, बट मेरे को उसको छोड़ना नहीं है, लेट्स सी हिज रिएक्शन, वो क्या बोलता है इसके लिए, पक्का अच्छा लग रहा है ना। इस ड्रेस का तो मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्यों ली उठाई है, बट ये मेरे को खुद को भी नहीं अच्छी लग रही, मतलब जब ये हैंगर पे थी तो बहुत ही अच्छी यू नो क्लासी और ग्रेसफुल टाइप लग रही थी, बट ये बहुत अजीब लग रही है मेरे ऊपर, तो बहुत लग रही है सर, नाइटी पहन रखी है, पता नहीं क्यों, विशाल भी देखना मना ही कर देगा इसके लिए, रात को सोने वाला ड्रेस टाइप पागल ना। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट फिट फॉर मी, जिस टाइप के लाइक मैं पहनना पसंद करती हूँ, लाइक ये है, इसे स्कॉट्स बोलते हैं, स्कॉट्स है ना, स्कॉट्स शॉर्ट्स प्लस कट स्कॉट्स, देखो पीछे से इसमें शॉर्ट रहता है, मतलब शॉर्ट्स के उसमें आगे से स्कर्ट का लुक दे दिया है, एंड मेरे को इसमें ब्लैक कलर चाहिए था, ये कलर जो डिसाइड किया है विशाल ने, कर रहा है इस टॉप का कलर डिसाइड,
ये मेरे को पहले तो यही बोलेगा बट अच्छा लग रहा है नीचे का भी तेरे को बस इतना है कि सच में अच्छी लग रही है विशा तो इसमें क्या बुराई है छोटा है तेरी सोच के तरह दे वो ही शर्ट है इसके लिए विशाल मेरी बेइज्जती कर रहा है 2590 रुपए वाली देखो होगा और ये इतनी भाई बड़ी है ना लाइक सी और ये एक्स्ट्रा स्मॉल है अब मेरे को समझ नहीं आ रहा शायद ये अच्छी तो वैसे लग रही है अगर मैं इसमें बेल्ट वगैरह लगा के इसको पहनूँ ना तो प्यारी है देखो हंसेगा मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरे पे अभी क्या ये बड़ी नहीं है एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं होती है ओवर साइज ही होती है ओवर साइज ये बंदा ढक जाए उसमें अच्छी लग रही है रिएक्शन तो एकदम अपोजिट ही था लाइक मेरे को लगा हंसेगा बोलेगा इतनी बड़ी है बट अच्छी लग रही है क्या देर हो गई मैं गया हूँ अब थक अब ये आ गई है परफ्यूम वर्फ्यूम लेने के लिए बहुत हालत ख़राब हो गई मेरी मैं बैठ गया मेरे को अब जाके चेयर मिली है इतने टाइम बाद इतने टाइम कह रहा हूँ एक डेढ़ घंटे बाद बाकी देखो कितना टाइम यहाँ लगाती है पर यहाँ तो लगा ले मैं तो बैठा हूँ ना आराम से ईरानी हाँ गर्ल्स के लिए अच्छा है तू भी लेना फिर सेम मेरे को नहीं लेना ना भाई मैंने ले तो लिया एक परफ्यूम तो अभी एक ले तो चुका हूँ मैं खुद तो ले रही है मेरा भी खर्चा करा रही है इसके वाला लगा लूंगा ईरानी ऊंट देखियो ना ये इसकी सबसे गंदी से गंदी आदत लगती है लाइक मैं कहीं खाने आई हूँ और भाई जब हम एक जगह आए थे तब तुम भी वहीं से खा लो ना पर तू अलग से वहाँ जाके खाएगा तो जब जैसे तेरा मन यहाँ पे खाने का है तेरा मीसो पेरा मीसो जो भी तू खा रही है तो मेरा मन ऐसे KFC खाने का है तो मैं KFC ना खाऊं तो अपने मन के हिसाब से क्यों चलती यहाँ से KFC कहाँ मिलेगा आज बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मत का फिर मेरा क्या बैठा हुआ यहीं पर मेरे को इतना अजीब लगता है ना अब पता क्या करेगा मेरे मेरे खाने में हाथ मारता है तू वैसे भी पूरा नहीं खा पाती अपना मैं खा लूंगी पूरा खा लूंगी आज मैं पूरा खाऊंगी देखना रीजन है इसको अपना नहीं मंगाना इसको मेरे में से ही खाना है जो कैसे चटकारे मार मार के खा रहा है खा जाएगी पूरा सारा खा जाऊंगी मैं शर्त लगा ले अगर नहीं खाया ना तो पहले मैं वो खाने तो देता जो बच था तूने खा लिया ना हाँ तो यहाँ से जो चाहिए ना वो दिला दूंगा जा अभी छोड़ दे सारा पक्का ये तूने ऑन कैमरा बोली है जो चाहिए वो दिलाएगा तू यहाँ इसी शॉप से चल ठीक है तू रुक तो खा लेता देखो 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 और ये मेरे को कह रहा था कि मेरे को नहीं खाना यहाँ से मैं KFC खाने मेरा मन नहीं है अभी इसने खुद बोला है मेरे को तो मैंने तो कोई खाने के लिए बोला थोड़ा सा कसम इसने अभी बोला है मेरे को खा ले तो तेरा मन था ना मतलब खाने का इसलिए तू खा रहा है ना तेरा मन नहीं तो नहीं खाता ब्रेड भी जो एक ब्रेड मिलती है ना वो भी पूरी खा गया पूछा मतलब ये होता ना कि मैंने इतनी सी ली है बस वो हल्की सी देखो देखो और शेक भी पी रहा था भर भर के जब ये तेरी साइड रखा है वो तो मैंने दुबका लिया जान के अभी इसने उठा के भी पिया है यहाँ से झूठ बोलती है हाँ ना कसम तुझे नहीं पिया एक दो सिप पिया देखो पसंद भी आया ये केक टोटके कर रही है मेरे ऊपर टोटके जान के चाहती है मेरा काम ठप पड़ जाए देखो अभी अभी आंख बंद करके करेगी रुक जाओ थोड़ी देर में देखो 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 काले वश को झाड़ फूक कर दिया मेरे नाम का देख 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 कुछ मैनिफेस्ट कर रही है मेरे को तो कुछ ऐसी बात चल रही थी मेरे उसके बाद देख जोशीली हो गई ना तो मेहनत करने को तैयार है ना ठीक है सो मैं उसको बोला कि ठीक है तो इस साल रुक जा मैं मैनिफेस्ट करूँगी यहाँ पर इसी कैफेटेरिया को मैं इसी साल के अंदर हर चीज यहाँ पड़ी हो गई ये मैं मैनिफेस्ट करूँगी इसको बताऊंगी जो मेन चीज ये ब्लॉग याद रखे हो लाइन पे याद रखे हो थैंक यू सो मच चोटी लग रही है ना ऐसी बातें बोलते हो हिट करी यहाँ पर तेरे तेरे आगे से ना ये परफ्यूम लगा के निकल जाऊंगा अपना और तू ना खुशबू सूंघती रह जाएगी बस
फंस गई ना, सोचना पड़ा, फिर टोटका करना चालू कर दिया। बज रहे हैं 12:15 मतलब, और हमें आते ही हमें लाइक हमें ना मतलब कल सुबह सुबह शूट जाना था, बट हमें अब जाना पड़ रहा है एक पार्टी में, एक इवेंट है इसकी वजह से। जो मेरा वही वाला अच्छा लग रहा है। कौन सा? छोटा लग रहा है ना इसलिए। हाँ। ले इसी चेन में पहन ले। नहीं मेरे को तेरी चेन में पहनना ही नहीं है, मेरा सामान दे सारा, मार दूंगी। तो अभी इसने घर आज ही लेके आया ना ये अपना इत्र, तो उसने ना हाथों पे मले से क्रीम मलते हैं हम लोग, तो मैंने पूछ मैं इसको बोला मैं मजाक उड़ाने लगी, कह रहा तू क्या कर रहा है ये सर गाड़ी में रखूंगा ना नीचे उसमें। हम देखो चोर देख रहे हैं। नहीं चोर नहीं, इनकेस मैं भूल गया इतर लगाना तो गाड़ी में तो लगा लूंगा ना बाहर। कह रहा कि मैंने हाथों में से लगाया, जैसे कि अब तू मेरे से हाथ मिला, मैंने से हाथ मिलाया, मैं नूनू कोई आई लड़की से हाथ मिलाएगी, मिलाओ। हाय। बात वो लड़की जब अपना आगे जाके अपना स्मेल करेगी अपने हाथ भाई से, उसको फेस पे कुछ भी हो गया तो तेरी याद आएगी, खुशबू आ जाएगी कि कोई विशाल ना कोई था एक लड़ंडा, उसको फिर ढूंढेगी तेरे को, मेरे को ढूंढेगी पूरे उसमें क्लब में। क्लब में कभी नहीं आई, आधा परसेंट नहीं आई यार, देखे तो बेइज्जती कर रही है। आप इसे हाथ में लो, आप इसको जानती ना पार्टी में से आई हो ऐसे। हाय अपना हाथ छुओ। हां भाई वो भाई अच्छी क्या, मम्मी कहती तुम अपनी खुशबू तो लगा रही, लोग तुम्हारे पास आएंगे। चलो भाई मैं तो लगा रही हूँ अपनी खुशबू। मुझे कोई नहीं कहेगा कि यार ये क्या कर दिया हमारे वाले का। तो मैं तो हरियाणा बना रहे थे, हरियाणा के बाद ठीक है।